आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। तमिल फिल्मों का आजकल देश भर में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। कुछ तमिल फिल्में तो इतनी शानदार हैं कि बॉलीवुड तक दीवाना हो गया है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार्स की बात करें तो कई ऐसे सितारे हैं जो ढेर सारी हिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन क्या आप ऐसे एक्टर्स के बारे में जानते हैं जो यूं तो तमिल इंडस्ट्री के स्टार कहे जाते हैं लेकिन आईएमडीबी पर उनको काफी खराब रेटिंग्स मिली हुई? जी हाँ, चलिए आज कॉलीवुड यानी कि तमिल के एक्टर्स जो वहाँ के स्टार्स हैं उनके बारे में बात करते हैं जो हिट फिल्में देने के बावजूद आईएमडीबी पर सबसे बुरे एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहला नाम आता है शांतनु भाग्यराज। शांतनु भाग्यराज तमिल फिल्मों के जाने माने एक्टर। शांतनु एक्टर और फिल्म डायरेक्टर के भाग्यराज के बेटे हैं और 2008 में उनका डेब्यू बड़ी ही शानदार फिल्म के जरिए हुआ था। अपने पिता के फिल्मों में शांतनु चाइल्ड एक्टर बनकर भी दिख चुके हैं, लेकिन आईएमडीबी पर उनको वर्स्ट एक्टर्स की लिस्ट में रखा गया है। दूसरे नंबर पर नाम आता है आदि का। आदि तमिल फिल्मों के एक्टर हैं जिनका जन्म चेन्नई में 1982 में हुआ था। आदि रंगस्थलम और सरोई नाडू नाम की फिल्मों के लिए कॉलीवुड में जाने जाते हैं। इनका नाम भी आईएमडीबी के खराब एक्टरों की लिस्ट में शामिल। तीसरा नाम आता है शालिम रासन राजेंद्र का। कॉलीवुड में एसटीआर और सिंबू के नाम से पहचाने जाने वाले शालिम रासन राजेंद्र केवल एक्टर नहीं, वो सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, कंपोजर, डांसर, लिरिसिस्ट भी हैं। तमिल फिल्म हैंडसम बॉय के जरिए डेब्यू करने वाले सिंबू का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। कहा जाता है कि ये एक्टिंग में कमजोर हैं और डायलॉग डिलीवरी भी कमजोर है। अगला नाम आता है जयम रवि का। जयम रवि भी कॉलीवुड में ढेर सारी फिल्में कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो कई फिल्मों में लीड रोल में भी नजर आ चुके हैं। ऐश्वर्या राय की फिल्म पोनियन सेल्वन में भी उनको देखा गया था। कोमाली जैसी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म देने के बावजूद लोगों की नजर में वो कमजोर एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। इसके पीछे इनके वर्स्ट कॉमेडी टाइमिंग भी जिम्मेदार है। अगला नाम आता है विशाल। जी हाँ, विशाल कृष्ण रेड्डी भी ढेर सारी फिल्में कर चुके हैं। इनमें एक्शन, टेडी, एनिमी, दरबार और द वॉरियर जैसी फिल्में शामिल हैं, लेकिन आईएमडीबी की साइट पर विशाल वर्स्ट एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल है। इसके लिए इनकी कमजोर डायलॉग डिलीवरी को जिम्मेदार माना जाता है। और आखिर नाम है विजय। ये नाम आपको निश्चित तौर पर चौंका सकता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार में शामिल जोसेफ विजय की शानदार फिल्में लगातार आती रहती हैं। इनकी फिल्में बिगिल, मर्सल, काठी, सरकार, वारिसु, खैरी और थलाइवा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनके करोड़ों फैंस हैं, हालांकि इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यही वजह है कि विजय के फैंस इस लिस्ट पर गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी फिल्में बताती हैं कि ये हर फिल्म पर काफ़ी मेहनत करते हैं। कैसी लगी है हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।